मेरा नाम मीरचंद है, मैं कठुआ से ही हूँ, गांव मेरा बग्याल है। और मुझे बड़ा दुख लगा जब मैंने मणिपुर की ये दर्द भरी कहानी देखी, मेरे से रहा नहीं गया और मुझे ऐसे लगा कि मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ, ये मेरा हिंदुस्तान है। जब फौजी की मैंने दास्तां सुनी, फौजी भाई की, तो मेरी आंखों में पानी आ गया। और वहाँ का सिस्टम कैसा होगा, उनकी भी माँ बहनें होंगी जिनका जहाँ पे वो एपिसोड हुआ। लेकिन 4 तारीख की वो बात है, 4 मई की वो बात है, वहाँ का मीडिया कितना, मतलब कितना क्या बोलेंगे अब हम, और उन्होंने बात ही तो दबा दिया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस भाई का जिसने ये वीडियो लीक की, और वीडियो लीक होने के वजह से ही हमें पता चला। अगर वो वीडियो ना लीक होती तो शायद हमें भी पता ना चलता। और हम मणिपुर के मीडिया वालों को ये कहते हैं कि यार आपके घर में भी माँ बहने हैं, अगर आपके घर में ही ऐसा सीन होता तो आप क्या करते। और बजे दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कल मैंने ये वीडियो डाली थी कि अगर कोई मेरा भाई बहन अगर हमारे साथ बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई नहीं आगे आया। लोग यही सोचते हैं कि वो बिटिया मणिपुर की है, वो बहनें मणिपुर की हैं, वो यहाँ की नहीं है। और वो दिन भी दूर नहीं है, क्या पता कल आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। क्या डिमांड करते हैं? हम यही डिमांड करते हैं, उनको अरेस्ट ना किया जाए, उनको चौक पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे कुत्तों को, ऐसे मतलब ऐसे बंदरों को गोली मार देनी चाहिए। वहां पे पुलिस ने उनको अपने अंदर रखे, ये भी बड़ी गलत बात की है। शर्याम उनको गोली मार देनी चाहिए जिन्होंने इतना गंदा काम किया है। मीरचंद जी, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जब कोई ऐसा वाक्य होता है तो वो लोग बाहर आते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कोई भी बाहर नहीं आया? मुझे ऐसा फील होता है कि वो यही सोचते हैं कौन सी हमारे गांव की है, कौन सी हमारी है। यार वो मणिपुर हमारा हिंदुस्तान है, हमारे ही इधर की बच्चे हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाओ, जिस भाई के सामने, जिस पिता के सामने उसकी बेटी को कपड़े उतारे जाएं, और वो हिंदुस्तान की बात हो, और हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदू हो, और हिंदू होने के बाद वो एक पूजा पाठी भी हो, और पूजा पाठी होने के बावजूद भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या फायदा से गवर्नमेंट का और ऐसे सिस्टम का। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात, बेटी कोई नहीं बचाओ, बेटी अपनी इसलिए बचाओ कि क्या पता कब किसके कपड़े खुल जाए, कोई पता नहीं इस समय। और मैं बेटियों के आगे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आगे आओ अपना हक छीनने के लिए, नहीं तो ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, ये लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। आज मणिपुर में हुआ, कल हमारे इधर भी हो सकता है। आज आपने एक रोजा धरना रखा, जहाँ मैंने आज एक जो रोजा धरना रखा हुआ है, देखते हैं कल क्या बनता है। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं की तो फिर हम कल भी बैठेंगे। मीरचंद जी, आप हमें ये बताइए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने अपने महिला संगठन जो है वो बनाए हुए हैं, जो महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, मणिपुर की बेटियों के लिए क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई? इस बात का भी हमें बड़ा अफसोस है कि पार्टियों में महिला संगठन हर पार्टी में, लेकिन हमारे कठुआ में हमें ये बड़ा दुख लगा कि अभी तक कोई महिला आगे नहीं आई मणिपुर की बेटियों के लिए। वो शायद यही सोच रही हैं कि वो बेटियां मणिपुर की हैं, यहाँ की नहीं है, लेकिन वो बेटियां हमारे हिंदुस्तान की हैं, पूरे कठुआ की भी हैं, वो लखनपुर की भी हैं, वो जम्मू की भी हैं, वो हमारे गांव की बेटियां हैं। वो ऐसा मत सोचे कि वो बेटियां मणिपुर की हैं। हमें बड़ा दुख लगता है जब इतने इतने संगठन हैं, इतने इतने सिस्टम हैं, और वहां पे गवर्नमेंट होने के बावजूद भी इतना बड़ा एपिसोड हुआ। बहुत बहुत दर्द भरा सीन है वो, और वो हमसे भी देखा नहीं गया। हम वहाँ की गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आपके घर में भी बेटी हैं, आपके घर में भी माता है, आपके घर में भी बीबी हैं, अगर आपके सामने ही कोई ऐसा सीन हो जाए तो आप पे क्या बीतेगी। सोचो उस फौजी भाई पे क्या बीती होगी जिसने करगिल में हमारे को बचाया है, लेकिन आज वही फौजी भाई बोल रहा है कि मैं अपनी बीबी को, अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और वो भी हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे इतने इतने दावे होते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और शरेआम बेटी और बहनों पे कितना बड़ा अत्याचार हुआ, इससे आगे मैं क्या कहूँगा।